जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आप IAS आपके लिए लगातार डिफरेंट काइंड की सीरीज़ लेके आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश PCS की। जो अभी अभी वीडियो सीरीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं वो अगली वीडियो सीरीज़ MPPSC स्पेशल होने वाली है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPSC की जो आगामी परीक्षा है तो उसके सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि जिस राह पे आपको चलना होता है उस राह का आपको क्लियरली पता होना ज़रूरी है, और अगर आप मैदान में खेलने जा रहे हैं तो खेल के नियमों को आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज MPPSC का प्रीलिम्स है, इसको आपने बहुत अच्छे से टैकल करना है। इसको टैकल करने के लिए आपको ये सिलेबस जान लेना ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि आपके MPPSC से अधिकारी बनने का सफ़र इसी वीडियो में छुपा हुआ है। जो वीडियो अंत तक देखेगा निश्चित तौर पर वो अधिकारी बनने के बहुत करीब आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस आपकी आधी राह आसान कर देता है। तो दोस्तों जो सिलेबस है उसको आपको जैसे कि पता है कि सिलेबस जो है दो पेपरों में विभाजित किया गया है। पहला पेपर है प्रश्न पत्र 1। तो प्रश्न पत्र 1 के बारे में आइए जानते हैं कि प्रश्न पत्र 1 में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। दोस्तों जो प्रश्न पत्र रहने वाला है, दोस्तों प्रश्न पत्र 1 की जब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के, तो ये सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र होता है। दोस्तों ये जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें पहला जो विषय है वो सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण का है, जिसमें आपके जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स मेंशन हैं। आप देखिए सिलेबस टू सिलेबस वर्ड टू वर्ड चलेगा और आप सिलेबस बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, पर्यावरण परिस्थितिकी, जीव विविधता तथा मौसम परिवर्तन पर प्रश्नों के दैनिक रोजमर्रा अवलोकन एवं अनुभव से संबंधित प्रश्न, जो कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित किए जाते हैं जिन्होंने इन विषयों पर किसी विशेष अध्ययन में सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित कोई भी सामान्य विशेष अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। ये दो शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, PhD करने लग जाते हैं इकोनॉमी इन्वायरमेंट में और अन्य सब्जेक्ट्स में, मगर दोस्तों आपको PhD बिल्कुल भी नहीं करनी है। PhD क्यों नहीं करनी है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सामान्य आपको नॉलेज चाहिए और आपको ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों तो अगला जो पॉइंट है इसमें दिया गया है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, जैसे कि अभी कौन सा सम्मिट हुआ, COP 24 की जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ, अन्य UNCCD की रिसेंट की जो बैठक थी उसमें क्या हुआ। तो ये जो वर्तमान घटनाओं का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ज्ञान है उसका परीक्षण आपका इस उसमें लिया जाएगा। भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत, इस चीज़ में आपका क्या आएगा, इसमें आएगा इतिहास में सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक पहलुओं से संबंधित सामान्य प्रश्न के विषय के प्रश्न होंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता विकास में भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों भारत के भूगोल की जब हम बात करते हैं, भारत के भूगोल में जो चीज़ें पूछी जाने वाली है MPPSC में, उसमें है भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है। इसके जो है सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और इसमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होगा तथा भारतीय जनांगिक एवं जनगणना से संबंधित भी प्रश्न होंगे। तो देखिए जनगणना स्पेशली मेंशन किया गया है, क्या जनांगिक एवं जनगणना से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों आपको एक दो प्रश्न जो है जनगणना के ऊपर प्रश्न जो है तैयार करने हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप IAS आपके लिए जल्दी ही घटना चक्र का सार वीडियोस ला रहा है, जिसमें हम सारी घटना चक्र की सार आपसे डिस्कस करेंगे और विभिन्न प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ हैं वो हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो आप IAS के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिले। तो विश्व की सामान्य एवं भौगोलिक जानकारी में अगर हम बात करते हैं तो ये आपके किससे होंगे, भारतीय भूगोल से, ठीक है। अब विश्व का जब भूगोल की बात आएगी तो विश्व के भूगोल की थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, कि जैसे व्हाट इज़ कॉल्ड द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आज का प्रश्न है आपके लिए कि कॉफ़ी पोर्ट वर्ल्ड का, विश्व का जो कॉफ़ी पोर्ट है वो कहाँ है। ये उत्तर जो भी देगा उसे MPPSC के फ्री नोट्स कमेंट सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा, तो आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन दे दूंगा तो बहुत ही आसान है, बहुत ही नाम सुना सुना सा लगेगा। तो आप लिखिए और आपको MPPSC के फ्री नोट्स हम देंगे अगर आपने ये सही आंसर दिया। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। इसमें राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, सतत आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनाएं, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाएं शामिल होंगी। तो देखो स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल होने वाली हैं। दोस्तों सिलेबस में शामिल होने वाली हैं दोस्तों
आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनाओं, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक सामाजिक जितनी चीज़ें हैं, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सबसे पहले वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं कैसे, जैसे आपकी RBI है, SEBI है, ये जो संस्थाएं हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, हमारा ट्रेड डेफिसिट अगर हो रहा है, अगर औद्योगिक विकास की हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल उसमें, तो अभी जो है हमारी कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी हो जाती हैं। योजनाओं में जब हम बात करते हैं तो सभी प्रकार की योजनाएँ, आयुष्मान भारत और अन्य, राजनीतिक दलों में कि राष्ट्रीय, आप ये बताइए कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया सेट है। जो ये आंसर देगा उसको भी MPPSC के नोट्स जो है निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत एशिया एवं विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेलकूद एवं खेल प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों, व्यक्तित्वों एवं प्रतिष्ठित खेल संस्थानों से संबंधित भी प्रश्न होंगे। देखिए, ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये पोर्शन आ जाता है आपका खेलकूद का। मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश के भूगोल में पर्वतों का विकास, नदियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, खनिज परिवहन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो सब कुछ तो देखिए क्लियरली मेंशनड है सिलेबस जो MPPSC द्वारा दिया गया है उसमें ही। तो आपको ये सिलेबस टू वर्ड बाय वर्ड आप कर लेंगे तो MPPSC आपको कोई क्वालिफाई करने से नहीं रोक पाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान, जनजातियाँ, कला, राजपत्य कला, ललित कलाओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों से भी प्रश्न होंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के बारे में जो होगा उसमें क्या रहेगा, देखिए स्टेट स्पेशल आ गया दोस्तों। इसमें प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों एवं चुनाव, पंचायतीकरण, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, सतत आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें उद्योग योजनाएं, आर्थिक कार्य क्रम, व्यापार, मध्य प्रदेश की जनकांकीय एवं जनगणना शामिल होंगी। तो देखिए, जनगणना से संबंधित जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है, तो आप एक बार सेंसस जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि सेंसस का डाटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं जनगणना से संबंधित प्रश्न होंगे। अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की जब हम बात करते हैं, IT और इसकी बात करते हैं, तो दोस्तों ये जब IT की हम बात करते हैं तो सिलेबस में क्लियरली मेंशनड है कि इसमें जो है इसमें अभिलक्षण, प्रयोग, शब्दावली जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजन, ईमेल, वीडियो मेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस, साइबर अपराध से संबंधित प्रश्न होंगे। तो सारे टर्म तो इसमें मेंशनड है दोस्तों, इन टर्म्स पर ही आपको स्पेसिफिक तैयार करना है और आपका MPPSC जो है पूरी तरीके से आप क्वालिफाई कर लेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और 33 सिविल संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र जो आ जाता है आपका, जो CSET जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सिविल सिमिक एप्टीट्यूड टेस्ट, UPSC में भी ये इसमें आता है, बहुत गमय था, ठीक है। दूसरा आता है संचार कौशल, अंतर व्यक्तित्व कौशल। उसके बाद आता है तार्किक कौशल, तार्किक कौशल मतलब जो आपकी रीजनिंग है। इसके बाद निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन वाली जो है, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यानन और संख्याएं विस्तार जो कि 10वीं कक्षाएं से। ये देखिए पूरा सिलेबस जो है आपका UPSC एग्जाम पैटर्न का ही है। हिंदी भाषा में बोधगम्यता एवं कौशल, ये भी जो है आपका 10वीं कक्षा का होगा। 10वीं देखिए, इसमें जो कमेंट इन्होंने दिया है वो 10वीं कक्षा के स्तर की हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उदाहरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए जाए बिना किया जाएगा। तो देखिए, आपको जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही चीज़ें समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि MPPSC की जो ये नोटिफिकेशन आई है, इसमें आप IAS की जो टीम है आपके लिए क्या सहयोग करने वाली है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप IAS की टीम आपके लिए घटना चक्र के जितने भी अभी लेटेस्ट वाले एडिशन हैं उनका हम जो है सार, जो GS पॉइंटर की जो वीडियोज़ हैं वो हम आपसे वीडियो के रूप में आपको वन लाइनर क्वेश्चन की जो है 10-10, 15-15 मिनट की जो है वीडियोज़ बना के देंगे, जिसमें आपको निःशुल्क जो है फिलहाल हम निःशुल्क आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि तैयारी कर रहे छात्र जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वॉलंटरी जो भी डोनेशन देना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जो है MPPSC की जो है टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं और वन लाइनर टू द पॉइंट क्वेश्चंस को हम लेके आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी MPPSC एस्पायरेंट्स हैं उनको ये चैनल एक बार शेयर कर दीजिए और उनसे भी बोलिए कि हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आप IAS जो चैनल है उसका नाम ही है एश्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफिशियंसी। तो आप जो है ऑथेंटिसिटी, एश्योरिटी और प्रोफिशियंसी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक मटीरियल से हम आपको पढ़ाने वाले हैं और आपको एश्योर करते हैं कि आप प्रोफिशियंसी
एफिशिएंसी की ओर बढ़ेंगे, तो आप जो है आप आईएएस जो है आपके लिए लगातार अच्छी वीडियोस लेते हुए आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों।